नमस्ते दोस्तों, बिंग डिजिटल चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैनन पिक्समा E417 जो मॉडल का प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, उसमें जो CISS का जो इंक टैंक है वो एक्सटर्नल वाला, उसको कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल के इसके साथ में ये जो आया है CISS का इंक टैंक वाला, जो जिसमें से इंक डाल के हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो कंटिन्यूसली इंक फ्लो करता रहेगा। तो इसको हम जहाँ से ऑनलाइन में मंगाए थे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये जो किट है उसका उसी के पैकेट में आया था, तो आप उसमें से ये सब चीज़ मिल सकता है आपको। इसका ये अनबॉक्सिंग का वीडियो भी है लिंक पे, आप देख सकते हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स देता है। तो देखिए, ये जो प्रिंटर है, ये कलर प्रिंटर है, उसके अंदर दो कैटरेज रहता है, एक कलर का एक हमारा ब्लैक का, ब्लैक कलर का। तो ये कि 57S वाला जो कलर है, ये कलर वाला हो गया और ये ब्लैक वाला हो गया। इसको थोड़ा याद रखिए जब भी खोलते हैं उसको, जो कौन सा साइड में क्या लगा था। राइट साइड में हमारा ब्लैक लगा था, लेफ्ट साइड में हमारा कलर लगा था। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और उसका बहुत सारे प्रिंटर में दिया हुआ है, तो उसमें देख के आप लगा सकते हैं। तो उसका जो पेपर गार्ड है उसको निकाल देते हैं, और जो स्कैन का जो कवर है उसको भी निकाल देते हैं साइड से। तो यहाँ पे दो स्क्रू है, दो स्क्रू को खोलने के बाद ये जो प्रिंटर का जो ऊपर हिस्सा जो है वो आपका आराम से बाहर निकल जाएगा। तो दोनों स्क्रू को आराम से खोल देते हैं उसको। तो उसके खोलने के बाद ये जो प्रिंटर का जो ऊपर का हिस्सा है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो स्विच का जो गार्ड दिया है, प्लास्टिक का कवर दिया है स्विच वाला का, तो उसको धीरे से खींचने से ऊपर आ जाता है। तो इसको आराम से खींच देना है। इसका लॉक रहता है साइड में, तो जैसे धीरे से खींचना है जैसे लॉक टूटेगा नहीं। तो उसके बाद ये जो प्लास्टिक का स्विच दिया हुआ है, स्विच को भी उठा लेते हैं। यहाँ से धीरे से आराम से उठाना है, और याद रखना है किस तरह से लगा था, और उसका चीज़ कहीं घूम नहीं करना है। और उसके बाद जो रिबन केबल लगा हुआ है प्रिंटर का, वो दोनों केबल को यहाँ से हटा देना है। जिसको थोड़ा ध्यान से खोलिएगा, कहीं नहीं तो ये डैमेज भी हो सकता है। डैमेज हो जाएगा तो परमानेंटली आपका कुछ काम नहीं करेगा, तो फिर आपको केबल चेंज करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट था स्कैनर के साथ पूरा, ये स्कैनर के साथ यहाँ से इस तरह से प्रेस करने से आगे से ये खुल जाएगा आपका। देखिए, प्रिंटर का पार्ट और स्कैनर का पार्ट अलग अलग हो गया। तो ये जो इंक कैटरेज हम खोले थे, इसका जो स्टिकर हुआ है, स्टिकर को आराम से निकाल देते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर में स्टिकर के अंदर जो प्लास्टिक है उसके ऊपर हम होल करेंगे, तो उसको कहीं गुम ना हो जाए या फिर कोई इधर उधर हो जाएगा, तो उसका स्टिकर खोल के यहीं पर लगा देते हैं साइड पर या फिर सामने से लगा देते हैं। तो पता चल गया कि ये कलर वाला कैटरेज है, ये हमारा ब्लैक वाला कैटरेज है। देखिए, दोनों का स्टिकर निकाल के लगा देते हैं। तो ये आपका निकल गया ब्लैक वाला, तो उसके ऊपर जो स्टिकर है उसको काट के यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। देखिए, आपका रेडी हो गया ये। इसके तो उसके ऊपर जो मार्किंग दिया हुआ है, वो मार्किंग में हम क्या करेंगे कि उसका जो होल करेंगे, इसके जो ये जो ड्रिल बीट है वो उसी कीट के ऊपर देता है, क्योंकि ये ड्रिल बीट स्पेशल है। तो उसी के हिसाब से अगर होल करके तो जो कैप दिया हुआ है जो इंक टाइप लगाने के लिए, वो उसके ऊपर मैच करेगा। तो कलर का तीन होल होगा हमारा, तीन कलर के लिए तीन होल, और ब्लैक कलर का बीच वाले में सिर्फ होल कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक दो तीन हो गया होल, और यहाँ पे होल से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टूथ पिक वाला जो लकड़ी है पतला सा अंदर डाल के देख सकते हैं कौन सा कलर कहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद जो रबर का जो कैप है के ऊपर हमारा पाइप लगेगा, वो पाइप आप यहाँ से लगा के देख सकते हैं। जो इसको ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है, जिससे बिल्कुल पूरा टाइट फिटिंग होगा तब से इतना अच्छा है, नहीं तो ये क्या करेगा कि लीकेज हो जाएगा कलर इधर उधर, तो आपका प्रिंटर खराब हो जाएगा, नहीं तो प्रिंट का जो पेपर देंगे वो खराब हो जाएगा। तो जो ड्रिल बिट वो दिया हुआ है उसके किट के साथ, बस उसी में होल कीजिए, और ज़्यादा बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइट जाएगा, तो उसको थोड़ा स्क्रूड्राइवर या फिर किसी से दबा के उसको अंदर कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार ट्राई करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि बहुत आसान है। तो इस तरह से जो कलर वाला है उसमें तीन कैप लगेगा, और जो ब्लैक वाला है उसमें एक लगेगा। तो उसमें एक दो स्पेयर भी है, तो अगर एक खराब हो गया तो दूसरा आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से उसको आराम से लगा देना है, टोटली हड़बड़ी नहीं करना है। और उससे पहले पता कर लेना है कि कौन सा होल में कौन सा कलर आपका जाएगा, मैजेंटा, सियान या फिर येलो, जो भी तीनों में कौन सा होल में कौन सा जाएगा उसको मार्किंग करके रख लेना है।
तो याद रखिए कि ये जो कैटरीज है ये आपका रनिंग में होना चाहिए। अगर बहुत दिन हो गया सूख गया तो ये काम नहीं करेगा, या फिर उसका चिप खराब हो गया तो काम नहीं करेगा। तो आपको नया खरीद के उसके ऊपर ये फिटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए अभी इसके जो इंक टैंक जो दिया हुआ है उसी को अंदर में अभी डाल देते हैं इंक, जो पहले ब्लैक वाला डाल देते हैं। तो अभी हमने 100 ml का जो बॉटल है उसी को खरीद के लाया था। तो 100 ml ऐसा आराम से एक डब्बे में आ जाता है। तो यहाँ पे 4 चैम्बर दिया हुआ है, एक ब्लैक का और 3 दिया हुआ है कलर का। तो यहाँ पे उसका जो कैप दिया हुआ है कैप भी लगा देते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा या फिर गिर भी सकता है। तो इंक भरने से पहले याद रखिए कि जो कैटरीज है कैटरीज के साइड में एक लॉक दिया हुआ है, लॉक दे देंगे तो इंक आगे फ्लो नहीं होगा। तो उसको स्टॉप करने के लिए एक लॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे कलर जो है उसको डाल के थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो अंदर चला जाएगा। तो देखिए अभी येलो थोड़ा कम हुआ है तो उसको पूरा डाल देते हैं। ये बॉटल याद रखिए कि 100 ml का हमारा एक बार में लगता है। तो 100 ml आप डाल, कलर डालने के टाइम में याद रखिए कि कोई दूसरा इधर उधर गिर के ना पड़े, तो गिरेगा तो कलर खराब हो जाएगा या फिर प्लास्टिक भी खराब दिखेगा। तो इसको एकदम आराम से डालना है, अगर आप सीरिंज से डाल सकते हैं तो भी अच्छा है। तो ये इसका 2 चैम्बर है, ऊपर वाला चैम्बर जिसको रिजर्व बोलते हैं और बड़ा वाला चैम्बर जो बड़ा वाला कैप लगा है वो मेन चैम्बर है। तो उसमें आप डायरेक्ट मेन चैम्बर में डालेंगे तो रिजर्व में आ जाएगा। तो उसके किट में ये स्टिकर भी दिया हुआ है, तो आपको पता चलने के लिए बाद में तो कौन सा कलर किस में डाले थे इसको देखने के लिए है। तो उसको आप अच्छे से लगा दीजिए, जिस तरह से कलर अंदर डाले हैं उसी हिसाब से यहाँ पे लगा दीजिए उसको। तो कलर किस हिसाब से कौन सा कहाँ पे डालना है उसको थोड़ा पहले से देख लेना है कि क्योंकि जो पाइप आपका है पाइप में पहले से हम ब्लैक में दिया हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पे होल करना है जो पाइप अंदर घुसने के लिए, तो ये जो होल आप करेंगे ये जो प्रिंटर का जो इंक कैटरेज जो मूव करता है उसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, नहीं कि नीचे हो गया तो वो जाम हो जाएगा, घूमेगा नहीं, सही से मूव नहीं करेगा। तो ये जो होल करेंगे जो प्रिंटर के अंदर में जो ये मूवमेंट करता है उसके ऊपर ये पाइप रहेगा, तभी ये आराम से मूवमेंट हो सकता है। अगर उसके सीधा में हो जाएगा तो उसमें टकराएगा तो ये मूवमेंट फ्रीली नहीं होगा। तो अभी देखिए पाइप डाल के हम दिखा रहे हैं, तो उसको अंदर में जो ये जो दिया हुआ है कैटरेज का जो मूवमेंट करने के लिए वो बिल्कुल उसके ऊपर है। तो ये जो किट है इसको हम साइड में अटैच करेंगे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, जो प्लास्टिक जो दिया हुआ है उसके मार्किंग आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे होल करके काटना पड़ेगा क्योंकि वो जो पाइप है वो पाइप अंदर से ही जाएगा, नहीं तो बाहर से लेने से कोई मतलब नहीं, हिलेगा। तो ये जो प्लेट है वो प्लेट आराम से आपका निकल सकता है, तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है। तो साइड से लॉक दिया हुआ है तो उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग हो गया है, तो यहाँ पे हम काट देंगे उसको चाकू से या फिर कोई ब्लेड से। तो यहाँ से आप अंदर में जो पाइप है पाइप आपका अंदर में आ जाएगा प्रिंटर के अंदर उसी रास्ते से। तो उसको हम काट के देखिए यहाँ पे बराबर काटिए, जिस ज़्यादा बड़ा मत काटिए, तो जो पाइप का जो डिस्टेंस है वो अंदर में आपका आसानी से आ गया। तो उसको क्या करेंगे उसके प्रिंटर के अंदर में लगा देंगे। तो ये जो प्लेट है ब्लैक वाला प्लेट जो पकड़े हैं हम, इसको ये प्रिंटर के साइड में माउंट कर देंगे, तब क्या होगा कि ये जो इंक टैंक है उसमें लॉक करके रह जाएगा। तो देखिए अभी ये जो पाइप है उसको थोड़ा सा जब काटेंगे पाइप को थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, नहीं तो बाद में अगर कुछ भी आपका मेजरमेंट अगर गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए पाइप यहाँ से अंदर से ले जाएंगे तो पाइप आपको बाहर से दिखेगा नहीं, पूरा जेन्युइन लगेगा और पता नहीं चलेगा कि ये जो इंक टैंक आप लगा रहे हैं तो ये पूरा ओरिजिनल है कि आप बाहर से बाद में लगाए, ये पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये आपका अंदर से चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कौन सा एरिया में ये आता है। तो मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम होल करके वो जो प्लास्टिक का जो प्लेट था उसको माउंट कर देंगे, ये जो कवर है उसके साथ में हम उसको स्क्रू या फिर नट बोल्ट टाइट करके उसको माउंट कर देते हैं। तो देखिए मार्किंग आपका आ गया, तो ये पूरा निकाल देते हैं पाइप वगैरह सब। तो पाइप निकाल के जो प्लास्टिक का प्लेट है उसको यहाँ पे रख के उसमें होल कर देते हैं, और होल करके उसमें हम स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगा देंगे तो ये प्लास्टिक का पाइप हमारा प्रिंटर के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने के बाद हम यहाँ पे उसको लॉक करेंगे, हमेशा जब जरूरत पड़ेगा उसको खोल के फिर इंक डालेंगे। तो ये जो सिस्टम है इंक टैंक का बहुत बढ़िया सिस्टम है, उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो बेहतरीन है ये
हमने इसको प्रिंट करके भी निकाला, बहुत अच्छा भी निकल रहा है। तो देखिए आपका इस साइड में आपका गैप है, तो कोई इधर चीज टकराने वाला नहीं है, तो उसी हिसाब से आप होल कीजिए, नहीं तो थोड़ा देख के होल कीजिए कि जहाँ पे आप होल जा रहा है और स्क्रू यहाँ पे आपका अंदर जाएगा तो कहीं दूसरा चीज में नहीं टकराएगा, तो उसी हिसाब से देख के यहाँ पे होल कीजिए। तो यहाँ पे इस दोनों जगह में हम होल करने जा रहे हैं, तो क्योंकि उसी पीछे साइड में जो प्रिंटर के अंदर उस जगह पे पूरा खाली है, तो यहाँ पे स्क्रू लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए अब होल हो गया, तो इसको क्या करेंगे अभी दो स्क्रू डाल के यहाँ पे फंसा देते हैं इसको, नहीं तो आप उसको स्क्रू अगर नहीं डाल सकते हैं तो आप उसमें गम लगा के इसको चिपका सकते हैं। स्क्रू लगा देंगे तो ये क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और लोड ज़्यादा पड़ेगा तो टूटेगा नहीं, तो इसी वजह से हम इस यहाँ पे स्क्रू लगा दिए हैं। देखिए दो स्क्रू लगा के इस प्लेट को फिक्स कर दिए, और अंदर जो पाइप था पाइप को जो पूरा लास्ट में ले जाके हमारा इंक कार्ट्रिज को यहाँ पे उसको फोल्ड करके जहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है वहाँ पे हम इसको काटेंगे। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो अच्छा है, क्योंकि आपका अगर बाद में शॉर्ट पड़ गया तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पूरा बराबर काट दिया कि अगर मेजरमेंट आपका गलत हो गया तो पाइप आपका जाएगा, तो पाइप आपका दूसरा फिर नया मंगाना पड़ेगा। तो इसको तो एक दो बार मूवमेंट करके आराम से उसको काटिए जैसे कि पाइप आपका शॉर्ट न पड़े। तो देखिए हमारा इस तरह से लगेगा ये, तो इसमें जो चार पाइप दिया हुआ है उसको अलग अलग कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा मत अलग अलग कीजिए, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अलग हो जाएगा तो ये इधर उधर फैलेगा, तो जितना चाहिए आपको उतना ही अलग कीजिए फाड़ के। तो आपका जो ये जो छोटा वाला जो टिप दिया हुआ है तो टिप यहाँ पे लगा के और रबर में लगा देते हैं, जो यहाँ पे ये आसानी से अंदर घुस जाएगा तो बराबर टाइट भी जाएगा जैसे कि आपका इंक लीकेज नहीं होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो एक ब्लैक में लगा के देखते हैं कि आपका कॉलर वाला जो पाइप है वो कितना डिस्टेंस में आता है आपका, तो उसको आराम से लगा के यहाँ पे मेजरमेंट करके काटिए, नहीं तो कट कर देने के बाद आपको फिर जोड़ना पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख के काटिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो आपका यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कौन सा पाइप में कौन सा जाएगा, आपका जो होल जो पता होना चाहिए कि पहले होल में कौन सा कलर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बीच वाला यहाँ पे आएगा, दो नंबर वाला, तीन नंबर वाला यहाँ पे आएगा इस होल में, और जो चार नंबर जो लास्ट वाला है वो पूरा अंदर जाएगा, तो उसको थोड़ा लंबा रखेंगे। यहाँ पे पहले से मार्किंग करके दो तीन बार उसको घुमा फिरा के देखिए, उसके बाद जाके उसको काटिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर शॉर्ट पड़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप पहले कन्फर्म करके एक दो बार उसको मूवमेंट करके फाइनल कीजिए कि ये जो काट रहे हैं वो सही है बिल्कुल, तो उसको थोड़ा आराम से आसानी से आराम से देख के सोच समझ के काटिए। तो देखिए आपका जितना फैलाना था उसको यहाँ पे फैला दिया। तो यहाँ पे ब्लैक वाला तो हो गया है, तो दूसरा जो मार्किंग किए थे उसी के हिसाब से और तो लेंथ के हिसाब से आप काट दें इसको। अच्छा तो तीनों पाइप को काट देने के बाद यहाँ पे जो टिप था सब में टिप लगा देते हैं, तो टिप लगाने के बाद आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो बराबर आ रहा है कि नहीं, उसको लगा के एक बार इंक डालने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कैटरी सही जगह में लग रहा है और जो लेंथ है वो लेंथ भी बराबर है। तो उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, जो इंक हम इंक टैंक में डाले थे उसको उसका लॉक खोल देंगे और जो रबर का कैप लगा था उसको खोल के उसके अंदर इंक फैलाएंगे, तो इंक पूरा यहाँ पे टिप तक आ जाएगा। तो उसको आपको कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर रखना पड़ेगा, क्योंकि इंक आपका इंक का काम है तो इंक फैलेगा ही फैलेगा, तो आपको थोड़ा एयर निकालने के लिए आपको इंक थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। तो इंक निकलेगा तो आपको कपड़ा या फिर पेपर या फिर टिश्यू पेपर रखिए, नहीं तो इंक इधर उधर फैल जाएगा। तो देखिए जो एयर का जो कैप था यहाँ पे एयर कैप खोल देंगे तो उसके अंदर एयर फ्लो करेगा और जो उसका आगे इंक उसका फ्लो होगा। तो उसको थोड़ा हल्का सा ऊपर उठाने से ये क्या होगा, जो इंक का जो पाइप है वो पाइप में आपका इंक फ्लो होगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे इंक फ्लो होकर आ रहा है थोड़ा सा ऊपर उठाने से। यहाँ पे कपड़ा देखिए, यहाँ पे जो लॉक है लॉक हम खोल दिया है, ये लॉक आप याद रखिए कि जब कलर डाल रहे हैं उसके अंदर लॉक करके डाले, नहीं तो आप इधर कलर डालते रहेंगे तो पाइप में निकलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, बाद में देखेंगे तो बहुत सारा कलर आपका
वर्थ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कलर आ गया है कपड़े पे, मतलब पूरा उसको उठा कर रखेंगे तो पाइप के अंदर में कलर आके पूरा लास्ट तक आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो पाइप के अंदर जो एयर है, एयर आपका निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बस आपका देखिए सारे कलर आपका यहाँ पे आ गया है, सभी कलर का देखिए कपड़े पे निकल रहा है। तो चारों कलर निकलने के बाद पूरा उसको क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे पहले, जो आपका नीचे वाला लॉक कर देंगे, उसके बाद जो एयर का कैप था वो सब दे देंगे। तो ये दे देंगे तो उधर से एयर हवा नहीं आएगा, तो ये इंक आगे अभी नहीं फ्लो करेगा। इसको थोड़ा साफ करके अच्छे से ये यहाँ से यहाँ पूरा टिप तक आपका कलर अभी आ गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से साफ करके जहाँ पे जिस कलर में वो टिप लगाना था उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ब्लैक का लग गया और कलर का यहाँ पे लगा देते हैं। जो होल में जो जाना था जो कलर, वही होल में वही कलर आपका, थोड़ा उसको इंश्योर कर लीजिए पहले कि कौन सा होल में कौन सा कलर लगेगा, नहीं तो आपका अगर येलो के जगह अगर सियान चला गया या फिर मैजेंटा चला गया तो आपका प्रिंटर गया, तो आपका कैटरेज फिर नया खरीदना पड़ेगा और इन कैटरेज को आपका फिर लगाने में फिर दिक्कत होगा, क्योंकि आप बराबर काट दिए होंगे केबल जो पाइप उसका। तो फिर उसको थोड़ा पहले से देख के कौन सा होल में कौन सा लगेगा उसको थोड़ा अच्छे से याद रख के उसको काटिए। तो अभी दोनों जो कैटरेज है वो रेडी हो गए, उसको थोड़ा साफ कर देते हैं। साफ करके अभी प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, देख लीजिए। अभी देखिए ये दोनों रेडी हो गया, तो उसके इसको अंदर में जिस जगह जहाँ पे लगा था ब्लैक वाला ब्लैक में, राइट साइड में ब्लैक हमारा लगा था और जो लेफ्ट साइड था यहाँ पे कलर वाला लगा था, तो उसको देखिए जैसे प्रॉपरली लॉक होगा। अगर आपका लॉक नहीं हो रहा है सही से और ये जो टिप अगर लग रहा है तो आप उसको थोड़ा जो कुछ चीज गर्म करके वो प्लास्टिक को थोड़ा पिघलाएंगे तो उस जगह में आपका आराम से आ जाएगा, नहीं तो आप उसको चाकू से काट के थोड़ा ग्रुप बना सकते हैं तो उसके अंदर में ये आराम से लॉक हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि ये थोड़ा लॉकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, अगर ये प्रिंटर का जो इंक कैटरेज अगर लॉक सही से नहीं होगा तो आपका प्रिंटर में एरर आएगा। तो उसको देखिए जहाँ से वो लॉक होता है वो प्रॉपरली लॉक हो रहा है कि नहीं दोनों कैटरेज, तो उसको थोड़ा उसके बाद चला के देख लीजिए कहीं उसको कोई खींच नहीं रहा है कि कुछ नहीं रहा है, तो उसको देखिए। तो यहाँ पे हो जाने के बाद इसको डब्बा को हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो उसका स्टैंड था तो प्लास्टिक का हम फिटिंग किए थे साइड पे, जो पाइप था पाइप को साइड में रख के उसको इंक कैटरेज को यहाँ पे लगा देते हैं। तो एक दो बार उसके बाद आप मूवमेंट करके देख लीजिए आपका सही मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये जो लॉक था अब ये लॉक्ड है, क्योंकि अब खोल देंगे तो उसके अंदर हवा आ जाएगा तो ये इंक आगे फैलने में कोशिश करेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो स्कैनिंग का जो शीशा है ये शीशा को थोड़ा खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा होल करके उसको केबल टाई तो घुसाएंगे तो ये जो पाइप था पाइप को ऊपर से पकड़ के रखेगा केबल टाई, नहीं तो क्या होगा कि पाइप मूवमेंट करने में ऑब्स्ट्रकल बनेगा। तो उसको क्या करेंगे, पाइप को ये जो ऊपर वाला कवर है उसके ऊपर में उसको चिपका के रख सकते हैं आप, उसको अगर होल नहीं करना चाहते तो उसको जो पीवीसी टेप है या फिर गम से चिपका के रखा सकते हैं। तो ये बीच वाले पोजिशन में हम बीच वाले तक आप लाएंगे तो बीच से आगे जाएगा, बीच से पीछे जाएगा, तो उसको थोड़ा देख के करना है। तो देखते हैं अभी जो ये जो स्कैनिंग का जो डिवाइस है उसको कुछ छटछाड़ी नहीं करना है, और यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो बना हुआ है वहाँ पे हम होल करके उसको मार्किंग पहले कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे हमारा होल करना है। देखिए ये जो ग्रुप दिखा हुआ है यहाँ से थोड़ा आगे, या फिर आप बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा है, हमेशा बहुत सारे प्रिंटर में ये बीच में करने से सही रहता है, बीच में और साइड में जहाँ पे हमारा एंट्री होता है, ये इस साइड से हम लेफ्ट साइड से एंट्री करा रहे हैं जो पाइप को, तो उसको बगल में एक करेंगे और बीच में एक करेंगे तो आपका सही रहेगा, बिल्कुल बीच में करने से बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो ड्रिल बिट था उसमें होल करके यहाँ पे केबल टाई लगा देंगे नीचे की तरफ से, क्योंकि ये जो चैम्बर है हम उसको बंद कर देंगे तो यहाँ से हमको कुछ लेना देना नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हम केबल टाई नीचे से निकाल के फिर नीचे उसका दोनों तरफ जो मुंडी है उसको बाहर निकाल दें। देखिए अभी दोनों साइड आपका बाहर आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, जो पाइप था पाइप को हम यहाँ पे फंसा देंगे, तो ये इसका जो काम खत्म हो गया, जो शीशा निकाले थे उसको
जिस तरह से निकाले थे उस तरह से उसको लगा देते हैं, उसका स्क्रू भी लगा देते हैं उसको, क्योंकि उसका काम अभी ख़त्म हो गया। तो उसको क्या करेंगे, उसके उठा के जो केबल टाई हमारा यहाँ पे डाला है तो होल करके उसी के अंदर वो पाइप को फंसा के उसको लॉक कर देंगे और उसको थोड़ा सा टाइट करके उसको जो बच्चे का थोड़ा सा हिस्सा है उसको काट देते हैं। तो देखिए अभी ये रेडी हो गया। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो प्लास्टिक दिया हुआ है उसका कुछ काम नहीं है। ये क्या हो रहा है कि ये जब मूवमेंट होता है उसके अंदर जो इंक कैटरिज उसके ऊपर जो पाइप लग गया है वो तो यहाँ पे फंसेगा, थोड़ा फंसने का चांस है। तो उसको क्या करेंगे, उसको उसी के हिसाब से काट देंगे थोड़ा, ये कॉर्नर वाला काट देंगे तो हमारा अभी वहाँ पे फंसेगा नहीं, तो फ्रीली मूव करेगा। क्योंकि ये दोनों काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रिंटर के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसके ऊपर लगा के फिक्स करा देते हैं। तो इसको फिक्स करने से पहले याद रखिए कि उसको जो अंदर में जो हम केबल डाले थे, जो पाइप डाले थे इंक कैटरिज का केबल टाई के ऊपर, इसको फंसा के उसको लॉक कर देते हैं और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। उसको याद रखिए कि टाइट करने के टाइम पे आप एक बार उसको अच्छे से मूवमेंट करा के देख लीजिए कि जो इंक कैटरिज है ये पूरा लेफ्ट से पूरा राइट तक जा रहा है कि नहीं सही से। अगर आपका कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप केबल टाई को और साइड में ला सकते हैं, बीच में ला सकते हैं, या फिर केबल टाई अगर आपका लग रहा है उस प्रिंटर के इंक के साथ, तो इंक कैटरिज का अगर केबल टाई लग रहा है तो उसको ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, तो उसको केबल टाई टोटली हटा के आप उसमें गम में चिपका सकते हैं, या फिर पीवीसी टेप वगैरह कोई भी गम टेप वगैरह लगा के उसको ऊपर में चिपका के लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको केबल टाई ही लगाना है। तो बस आपको इतना चाहिए कि जो पाइप है आपका हिले ना, वो ऊपर में फिक्स रहे आधा आधे तक, मतलब आधे डिस्टेंस तक फिक्स रहे, बाकी आधा जो है वो मूवमेंट करे। तो उसके ऊपर जो कवर है उसको लगा देते हैं। तो अभी हमारा जो इसका जो जो खोले थे उसको कंप्लीट हो गया है। जो केबल हम निकाले थे रिबन केबल उसको अच्छे से जिस जगह पे लगा हुआ था उसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन का काम अभी कंप्लीट हो गया, खाली लास्ट में वो जो केबल टाई के अंदर फंसाए थे उसको थोड़ा टाइट करके उसको काट के निकाल देंगे, जो हिस्सा बचेगा आपका। तो आपका ये लगभग प्रिंटर का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसका ट्रायल लेंगे प्रिंट देके। तो ये रिबन केबल जो है उसको अच्छे से फंसाना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, एरर आएगा आपका। तो उसके ऊपर जो आपका स्विच का जो कवर था, स्विच को लगा देते हैं।
तो आपका प्रिंटर जिस तरह से था उस तरह से आपका हो गया है। तो यिंग जो हमारा स्कैन का जो कवर था उस स्कैन का कवर यहाँ से लगा देते हैं, और जो पेपर का जो गाइड था पेपर का जो कवर था उसको पेपर जिसमें ऊपर रहता है गार्ड उसी को यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपका प्रिंटर अभी आपका लगभग रेडी हो गया, तो उसको अभी नीचे से खोल के देख लेते हैं जो केबल टाई था वो सही है कि नहीं। यहाँ पे हमारा केबल टाई लगा हुआ है तो उसको थोड़ा काट के हिस्सा जो बचा हुआ है टाइट करके वो हिस्सा निकाल देते हैं दोनों साइड से। अगर आपका एक बार देख लीजिए कि अगर केबल टाई आपका इंक के साथ टकरा रहा है तो केबल टाई काट के निकाल सकते हैं आप। तो वहाँ पे कुछ गम लगा के ये जो पाइप है उसको आप ऊपर से चिपका सकते हैं। तो ये आपका अभी हो गया है, उसको रेडी हो गया है। तो उसका कवर प्लेट हम लगा देते हैं यहाँ से। ये कवर प्लेट अगर सही से नहीं लगेगा तो अभी आपका एरर आएगा, प्रिंट नहीं होगा। तो उसको आप लगा के अभी चेक कर लेंगे प्रिंट देके। तो अभी प्रिंटर लगभग रेडी हो गया, पूरा रेडी हो गया। उसको अभी ट्रायल लेंगे। यहाँ पे देखिए कलर इंक भी सही दिखा रहा है जो लेबल हम डाले थे। तो यहाँ पे हम पीसी से एक प्रिंट दे रहे हैं, नहीं तो आप कलर जेरोक्स या फिर कोई ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स भी स्विच दबा के कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पीसी लगा के एक प्रिंट दिया हुआ है तो एक पेपर का, तो देखिए बढ़िया निकल रहा है अभी जो प्रिंट निकला था हमारा। तो देखिए सभी कलर का एक बार चेक कर लीजिए कलर आपका सही से निकल रहा है कि नहीं, या फिर कुछ इधर उधर होगा। तो अगर कुछ कलर भी कम भी होगा तो कलर को कैप खोल के थोड़ा उसके अंदर में डाल देंगे, थोड़ा ऊपर उठाएंगे टैंक को तो पाइप में कलर आपका अंदर आ जाएगा, तो कलर भी आपका सही से प्रिंट आ जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर पूछिए, हम आपका हेल्प को जरूर करेंगे।